विधायक के बिगड़े बोल, बीजेपी नेता को पाकिस्तान जाने को कहा। अक्सर सुर्खियों में रहते हैं नरेश बाल्यान। अब तक हिंदूवादी संगठनों के नेता कुछ लोगों को पाकिस्तान जाने की सलाह देते थे, लेकिन अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक ने बीजेपी के एक नेता को पाकिस्तान जाने को कहा है। बीजेपी नेता को पाकिस्तान जाने की सलाह देने वाले आप विधायक कोई और नहीं, उत्तम नगर के MLA नरेश बाल्यान है। नरेश बाल्यान अक्सर अपने बयानों और ट्वीट्स को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। दरअसल दिल्ली शराब घोटाले को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जंग जारी है। पिछले दिनों दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए बीजेपी के नेताओं ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का पुतला फूंका था। बीजेपी नेता यासिर जिलानी ने सिसोदिया का पुतला फूके जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए गली गली में शोर है, मनीष सिसोदिया चोर है वाला नारा लिख दिया। यासिर जिलानी के इस ट्वीट को लेकर आप विधायक नरेश बाल्यान उखड़ गए और उन्हें घुसपैठिया तक कह डाला। विधायक नरेश बाल्यान ने जिलानी के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए इसमें हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना डाला। बाल्यान ने जिलानी को घुसपैठिया कहा और पाकिस्तान चले जाने को भी कहा। नरेश ने कहा, जिलानी हिंदुओं की ताकत का अंदाजा नहीं है आपको, ये सब हरकत पाकिस्तान में जाकर करो। हिम्मत कैसे हुई महाराणा प्रताप के वंशज सिसोदिया जी के साथ अभद्रता करने की? क्या लगता है हिंदुओं का खून सूख गया है? ये घुसपैठी हिंदू समाज में बंटवारा करना चाहता है। हालांकि कुछ ही पल बाद बाल्यान ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। बता दें, नरेश बाल्यान दिल्ली के उत्तम नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। बाल्यान साउथ दिल्ली में DDC चेयरमैन, दिल्ली जल बोर्ड के सदस्य और अनऑथराइज्ड कॉलोनी कमेटी के प्रमुख भी हैं। नरेश बाल्यान का विवादों से पुराना नाता रहा है। साल 2015 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान उन पर अवैध शराब का जखीरा इकट्ठा करने का आरोप लग चुका है। वहीं 2016 में मारपीट के एक मामले में उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हाल ही में बाल्यान पर हाथ से नाले की सफाई करवाने का आरोप लगा था। सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने नरेश बाल्यान पर केस दर्ज करने का निर्देश दिया था।